इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट। ठीक है, हम फूड लॉस करते हैं, फिर फूड वेस्ट करते हैं, है ना। हम जानते हैं कि उस फूड को, है ना, तैयार होने में, है ना, कितने दिन किसानों को मेहनत करना पड़ता है, तब हमारी थाली में आता है, और हम ऐसे ही उसको क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, है ना। तो उसे बचाने के लिए, अवेयर करने के लिए, कैसे हम उसको बचाएंगे, है ना, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है फूड की, कितने मुश्किल के बाद वो फूड हमारे प्लेट तक आता है, इसके इसके अवेयरनेस के लिए हम, है ना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सितंबर 29 को ऐसा डेट चुना है कि उस दिन वो क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट कर, है ना। तो ये सेलिब्रेट कब किया जाता है, 29 सितंबर को। कब से किया जा रहा है, 2020 से किया जा रहा है ना, टू प्रमोट एंड इम्प्लीमेंट ग्लोबल इफॉर्ट टू रिजॉल्व द इशू ऑफ फूड वेस्टेज, है ना। ये क्यों किया जा रहा है, ताकि प्रमोट किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके कि फूड, है ना, जो इशू है फूड वेस्ट वाला, है ना, फूड वेस्ट कर देते हैं और इशू हो जाती है क्या, फूड क्राइसिस का, उससे कैसे बचा जाए, इसके लिए प्रमोशन किया जा रहा है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, है ना, ने सितंबर 29 को इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट सेलिब्रेट किया 2019 में। ठीक है, यूएनजीए ने डेजिग्नेट किया 29 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस। कब किया ये डेजिग्नेट, 2019 में ये डेजिग्नेट किया यूएनजीए ने। ठीक है, थीम क्या था 2021 का, स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट, ये इसका थीम था। थीम क्या था, स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट, है ना, फॉर पीपल फॉर द प्लैनेट, है ना, पीपल के लिए और प्लैनेट के लिए, दोनों के लिए हमें फूड लॉस और वेस्ट, फूड वेस्ट करने कम करने की ज़रूरत है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डे इज टू टेक स्टेप टुवर्ड रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन एज वेल एज जीरो हंगर, है ना। ये ऑब्जेक्टिव क्या रहा था इस दिन का, है ना, ये डे सेलिब्रेट करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था, ताकि हम एक रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करें, है ना, किसी भी चीज़ का हम उतना ही लें जितने ज़रूरत हो, है ना, ऐसा नहीं कि हम इतना ले लें जितने हमें ज़रूरत नहीं है और हम उसको वेस्ट कर दें, फेंक दें। ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, जीरो हंगर, है ना, अचीव कर सकें, हमारा एसडीजी का गोल है ना, जीरो हंगर, है ना, कोई भी भूखा ना रहे, इस गोल को अचीव करने के लिए का मेन मुद्दा है ना, ऑब्जेक्टिव है ना, इस डे को सेलिब्रेट करने के पीछे यही मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अलॉन्ग विथ वर्किंग टुवर्ड एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज थ्रू सस्टेनेबल फूड हैबिट, और इसके साथ साथ, है ना, फूड सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ हमें क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है इसमें भी, है ना, कैसे हम सस्टेनेबल फूड हैबिट को अपना के हम कैसे क्लाइमेट चेंज को कम करने में अपनी सहभागिता दे सकते हैं, है ना, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। ओके, हिस्ट्री क्या है, है ना, तो इन 2019 74th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डेजिग्नेट 29 सितंबर एज इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट, है ना। 2019 में 74th यूएनजीए की मीटिंग हुई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, और उसमें ये प्रस्ताव रखा गया कि 29 सितंबर को, है ना, सेलिब्रेट किया जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट। ठीक है, ताकि प्रमोट किया जा सके फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन को। थैंक यू।